हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो में जैसा कि लेकर के आता रहता हूं, तो वैसे ही हमारे पास एक फ़ोन और है, वीवो का एक फ़ोन है हमारे पास। ये मैं दिखाना चाहता हूं, वीवो का एक फ़ोन है जो कि ये फ़ोन पैटर्न पे है। किसी यूज़र ने इसका पैटर्न भूल चुके हैं, तो इसके पैटर्न को हम आपको इजीली तरीके से रिमूव करके दिखाएंगे। तो ये वीवो का S1 है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीवो का S1 फ़ोन है जो कि इसमें एक पैटर्न लगा हुआ है। तो इस फ़ोन को हम प्रॉपर तरीके से अनलॉक करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसमें पैटर्न लगा हुआ है, वीवो का ये फ़ोन है। तो आप हमारे चैनल में, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इसकी अनलॉकिंग बहुत ही ईजी तरीके से हम करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने देखा सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ UMT से, मैं इसकी अनलॉकिंग करने वाला हूँ फ्रेंड्स UMT से। अगर वीडियो आपको पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, तब आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं फ्रेंड्स UMT को लगा देता हूँ, और UMT लगाने के बाद UMT का एक सेटअप हम खोल लेंगे। UMT का सेटअप हम खोलेंगे, अल्टीमेट मीडिया टेक उसको हम कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ये जो फ़ोन था, हम इसकी बहुत ही इजीली तरीके से करने वाले हैं अनलॉकिंग। तो आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखें। तो वीडियो को हम प्रॉपर कर लेते हैं बंद, फ़ोन जब तक ये हमारा हो रहा है तब तक हम इसे कर लेते हैं ऑफ, पावर ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं फ़ोन को। तो ये देखिए हमारा ये इंटरफेस खुल चुका है फ्रेंड। उसके बाद इसमें जो CPU है, इसमें लगा हुआ है MTK का CPU है। तो हमें जाना है टूल एंड FRP में जाना है। टूल एंड FRP में जाने के बाद अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है, अपना वीवो ले लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना वीवो लेने के बाद अपना मॉडल लेना है। तो मॉडल अगर S1 है तो ठीक है, नहीं तो आप Y93 या कुछ भी एक ऐसा बड़ा मॉडल आप ले सकते हैं जैसे। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आपका मॉडल नहीं है तो आप इसमें मॉडल जो भी लेटेस्ट फ़ोन हो थोड़ा वीवो का आप ले सकते हैं। जैसे इसमें देखिए S1 नहीं है, तो S1 अगर नहीं है तो इसमें आप Y93 ले लीजिए, या आप ले लीजिए Y17 ले लीजिए, या आप Y19 ले लीजिए। मतलब जो एक बड़ा मॉडल का आप ले सकते हैं जो कि एक लोडर का काम करता है। तो फिलहाल नहीं है तो हम ले लेते हैं Y93 को, हम ले लेते हैं फ्रेंड। Y93 हमने ले लिया क्योंकि इसमें S1 का मॉडल ऐड अभी नहीं है UMT में। अब हमें सीधा क्या करना है, फैक्ट्री सेट टू मेटा करना है, क्योंकि हमें फैक्ट्री सेट टू मेटा मेथड से इसको करना है। तो हम कर देते हैं इसको क्लिक। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें से क्या करना है, केबल, डाटा केबल से कनेक्ट करना है। तो ये देखिए अब यहाँ पे फ़ोन को प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट करना है। तो हम सीधा इसमें डाटा केबल इन कर देते हैं फ्रेंड्स। ये हमने डाटा केबल इन कर दिया है, तो देख सकते हैं फ़ोन हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब ये फ़ोन मेटा मोड पे जाएगा, क्योंकि हमने कोई भी की प्रेस नहीं करना है आपको, कोई भी वैल्यूम की या फिर कोई भी ऐसा की आपको प्रेस नहीं करना है। तो ये फ़ोन आपके सामने ये डाटा केबल लगा हुआ है, अभी फ़ोन मेटा मोड में जाएगा, और मेटा मोड में जाने के बाद बहुत ही इजीली तरीके से ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 30 सेकंड यहाँ पे मेटा मोड पे चला गया फ़ोन, कोई इंडिकेशन तो नहीं है, बाकी हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और बस थोड़ी ही देर में ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अगर मॉडल, जैसे हमने बताया कि फ्रेंड्स अगर मॉडल नहीं है तो आप टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप यहाँ पे जो अपना मॉडल है आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिनिश्ड हो चुका है, अभी फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन हो चुका है कम्प्लीटली। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे वीवो का 1907 मॉडल था इसका। ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, तो हम इसे निकाल देते हैं और हम फ़ोन को करते हैं ऑन। तो ये हमारा फ़ोन होना चाहिए फॉर्मेट, तो हम पहले इसको कर देते हैं ऑन, क्योंकि बूट होने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। तो फिर आपको हम सारा इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। तो देखिए ये फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो मेन मोटिव अभी है इसका फॉर्मेटिंग करना, इस फ़ोन का भी मेन मोटिव है कि हमारा फ़ोन पहले फॉर्मेट होना, फिर आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी FRP बाईपास भी आप वीडियो देख लेंगे हमारे आगे आने वाले चैनल पे। तो देख सकते हैं फ़ोन को क्या किया था मैंने, फिर से हाईलाइट कर देना है आपको। टूल एंड FRP में जाना है आपको, वीवो सेलेक्ट करना है। वीवो सेलेक्ट करने के बाद आपका अगर मॉडल है तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेंड्स आपको कोई भी एक बड़ा मॉडल को सेलेक्ट करना है। चाहे यहाँ पे आप Y17 ले लीजिए, Y19 ले लीजिए, या फिर Y93 ले लीजिए, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे Y93 ले लिया था। अब हमें करना था फैक्ट्री रिसेट
टू। तो फैक्ट्री सेट टू हमने किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे फोन पहले ये ब्राउन मोड में ही कनेक्ट हुआ। ब्राउन मोड में कनेक्ट होने के बाद हमारा यहाँ पे मेटा मोड में फोन गया। मेटा मोड में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इजिली तरीके से ये अनलॉक हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड। बहुत इजिली तरीके से हमारा ये अनलॉक हो गया है। अभी थोड़ा सा इसमें लगेगा टाइम, और जैसे फॉर्मेट हो जाता है तो आगे का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे करके फाइनली जरूर दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा बूटिंग में ये वही फोन है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वीवो लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आई होप वीडियो अगर समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो देखिए बात करते करते ये फोन ओपन हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये हमारा फॉर्मेटिंग हो चुका है बहुत ही इजली तरीके से, क्योंकि अब एक्चुअल में ये हमारा जो मोटिव था वीडियो का, ये था हमारा फॉर्मेट करना, पैटर्न को रिमूव करना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोन हमारा फाइनली फॉर्मेट हो चुका है। अब ये फोन में लगा होगा FRP, तो इस FRP का वीडियो हम आपको देने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी FRP बाईपास कैसे की जाती है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा पता रहेगा। मैं ये फाइनल लास्ट तक ले जा रहा हूँ, देखता हूँ कि इसमें FRP लगी है कि नहीं लगी है फ्रेंड। मैं इसी फोन का FRP बाईपास करूंगा। अब देखिए यूज नाउ, आप जानते हैं कि ये जो फाइनल होता है। अब हम जैसे यूज नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये फोन वापस से देखिए FRP गूगल अकाउंट के लिए बोल देगा नॉट सिंगिंग। तो ये FRP पे लग गया है, तो इसको हम जैसे ही कर देंगे फिर से वापस होम स्क्रीन पे आ जाएगा, स्टार्टअप स्क्रीन पे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहें हमारे चैनल में। आई होप भी समझ में आया होगा इसकी फॉर्मेटिंग। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।